भी अक्सर न्यूज में देखते हूँ, मैं खुद भी न्यूज से रहा हूँ बहुत लंबे समय तक, मैंने टीवी चैनल सबके साथ काम किया है। ऐसा न्यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई एक बच्चा किसी ने पैदा करके, नवजात बच्चा कोई नदी के किनारे मिल रहा है, कोई मंदिर में छोड़ के चले जाते हैं, कोई बहुत सारी आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है। तो कई बार क्या होता है, पालन पोषण से कुछ लोग जो बच्चे होते हैं वो पालन पोषण सुधर भी जाते हैं, अच्छा जैसे आप उसको पालो वैसे उन लोग ढल जाएंगे, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ आप दो लेकिन उन लोग क्या करते हैं कि नमक हरामी कर जाते हैं, वैसी कुछ कहानी है इसकी, तो इसलिए ये टाइटल रखा गया। आज एमएक्स प्लेयर पे भी आ रहा है, सबसे पहले तो बता दिया जाए, और एकदम है आज बहुत सारा जो सीरीज हुआ है, कहीं ना कहीं मिर्जापुर भी आई थी, तो वो भोजपुरी भाषा का जो प्रयोग करके इतना बड़ा जो रिसीज हुआ, और भी बहुत सारी ऐसे सीरीज आई है। अभी बिहार डायरीज आई हुई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो बड़े बड़े मेकर्स हैं हमारे भोजपुरी को यूज़ कर करके इतना बड़ा काम करे, तो क्यों ना हम लोग OTT चुने। हमारी टीम ने जो सीमा जी का ये निर्णय था कि हम लोग क्यों ना थोड़ा चेंज किया जाए, थिएटर्स आप सबको पता है खाली बोलने से नहीं होगा कि कितने लोग जाके देख रहे हैं, चाहे कोई भी स्टार्स हो, कोई भी स्टार ऊपर से नीचे लेके कितना भीड़ लग रहा है हॉल में, सिनेमा हॉल में आप सबको पता ही होगा। तो मैं बोलूँ कि मैं रिलीज करके और तो फिल्म के क्षेत्र में उतरी हूँ और राजनीति में उतरना बस मेरा एक ही मकसद है कि मुझे बिहार के दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है और निस्वार्थ प्यार, मतलब मैंने एक फिल्म किया तो लोगों ने इतना पसंद किया कि लोगों को, लोग मजबूर हो गए मुझे फिल्मों में लेने के लिए, तो मुझे दर्शकों का प्यार था मेरे, और अब मुझे अपनी जनता को वो प्यार और सब चीज़ें लौटाने का वक्त आया है, तो मैं उनकी सेवा करने के नियत से ही राजनीति में उतरी हूँ। फिल्म बनाना एक, हाँ हम लोग फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती थी एज अ प्रोड्यूसर मैं कोई फिल्म लॉन्च करूँ, और मुझे इससे अच्छा समय नहीं लगा कि मुझे अब फिल्म बनानी चाहिए। और कहानी बहुत अच्छी, जैसे कि सर ने पूछा कि नमक हराम ही क्यों फिल्म का नाम, तो जब आप कहानी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म की जो कहानी है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिल्म का नाम नमक हराम। तीन दिन कंबाइंड एक साथ है, तो फिर एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करना, और मैं भोजपुरी फिल्मों के लिए फ्रेशर हूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कहानी तो जैसे ही शुरुआत में मैंने सुना था कि उसके बाद बहुत लंबा टाइम गैपिंग होने के बाद हम लोग फिल्म शूट किए, तो कहानी देखने के बाद पता चलेगा कि कहानी में जितना मिठास है उतना दुख है, उतना दर्द है, और उतना रोमांटिक मूवी है। देखने के बाद पता चलेगा सारा चीज़, अभी तो रिवील नहीं करूँगी, बस क्लाइमैक्स देखने के बाद पता चलेगा कि दर्द, मतलब अपने अंदर से चीज़ें को फील करने के लिए लगेगा कि नहीं हाँ ऐसा मूवी भोजपुरी में बननी चाहिए। और देखिए अगर फिल्म को ये चीज़ें मिलती है तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, और पूरे बिहार के सारे जनता को थैंक्स बोलूँगी कि अगर आप मुझे मेरे फिल्मों में भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे जितना एल्बम में मुझे सपोर्ट किया गया है उतना अगर फिल्मों में भी सपोर्ट करें, शायद मैं आगे जाके और भी अच्छी अच्छी कहानी पे काम कर पाऊँ, मुझे अच्छे अच्छे जगह पे कास्ट किया जाए। तो मैं देखिए कर्म स्थान तो मेरा ये बिहारी है और बिहार से एक अलग चीज़ जुड़ा हुआ है, चाहे जो भी हो, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे एक अच्छा मूवी मिली है, और जब एक एक्टर ही प्रोड्यूसर है तो सोच सकते हैं कि मूवी कितना बेहतर बन सकता है, और डायरेक्टर एक्टर सब चीज़ सामने बैठे हुए, तो मुझे लगता है कि अगर जितना सर्चिंग मुझे किया जाता है उतना अगर मूवी में भी वो चीज़ मिलेगा तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, और थैंकफुल रहूंगी दर्शक के लिए मैं। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक।